नहीं करता, मकसद जिंदगी हासिल नहीं करता, उसका हाल वही होगा जो कि एक दरख्त का होता है। दरख्त की फितरत क्या है? या तो वो फल देगा, या तो वो फूल देगा, या तो फिर वो साया देगा। अब अगर कोई दरख्त ना फल दे रहा हो, ना फूल दे रहा हो, ना साया दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसे काट देंगे और उसे जलाने के काम में लाया जाएगा। वही दरख्त जो कि जिंदगी का बास बन सकता था, वही दरख्त जो कि आपको साया दे सकता था, वही दरख्त जो कि आपको फूल दे सकता था, क्योंकि वो दरख्त अपनी फितरत से बरअक्स हो गया, अपनी फितरत से हट गया, तो उसे आपने जलाने के काम में उसको ले लिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि इंसान तेरा हाल भी वही होगा। जहन्नुम की आग जलाने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि अपने हदफ़ ज़िंदगी को हासिल नहीं करते, जो कि बेहुदा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। देखें, अहले बैत बहुत ही मुकम्मल नमूना है हर पहलू ज़िंदगी के लिए। अहले बैत से बेहतरीन नमूना हमें नहीं मिल सकता अपनी मकसद ज़िंदगी को समझने के लिए। अहले बैत से बेहतरीन नमूना हमें नहीं मिल सकता इबादत का तरीक़ा सीखने के लिए। ये वो घराना है जहाँ पर 6 महीने का बच्चा भी आपको इबादत का तरीक़ा सिखा दे। ये वो घराना है जहाँ पर 6 महीने का बच्चा भी आपको अपना मकसद ज़िंदगी बतला दे। ये वो घराना है कि जहाँ 3.5 साल की बच्ची आपको अपना हदफ़ ज़िंदगी सिखा दे।